जो टॉपिक है वो काफी यूजफुल टॉपिक होने वाली है, बिकॉज आज आप देख सकते हो मेरी जो हेयर स्टाइल है एंड मेरे सामने काफी सारे बाल ऐसे उखड़े उखड़े से बिखरे बिखरे लग रहे हैं, जो बिल्कुल भी क्लीन एंड क्लियर तो नहीं लग रहे। तो इसी चीज की जो सोल्यूशन है मैं आज देने जा रही हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। तो कैसे करना है कि कैसे आप ऐसे मेसी एंड ऐसे बिखरे बिखरे जो बेबी हेयर्स है इसको आप कैसे सेट कर सकते हो, वही तरीका मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, वो भी 3 आसान तरीके। एंड अदर देन दैट, अगर आप ऐसे मेसी लुक ही प्रेफर करते हो, यू नो गर्ल टू गर्ल ये वैरी होता है लुक जो है, काफी जनों को कहीं कहीं अलग अलग तरह के लुक पसंद है। तो अगर आपको ये मेसी लुक पसंद है, जैसे काफी सारी लड़कियों को मैंने देखा है वो ना हाथों से ऐसे ऐसे करके अपने बेबी हेयर्स को बाहर निकालते हैं स्पेशली, क्योंकि उनको वो लुक पसंद है। बट अगर आपको ये चीज जो है, ये बेबी हेयर्स जो है वो बॉदर करते हैं, आपको स्लीक लुक नहीं बनाने देते, तो उसी चीज की सोल्यूशन मैं दूंगी आज इस वीडियो में। सो यस, वेलकम गाइस टू माय चैनल स्टाइलोपीडिया एंड आई एम स्नेहा हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फॉर दैट अभी आप देख सकते हो मेरी जो है बेबी हेयर्स काफी, स्पेशली इस साइड में मेरे बेबी हेयर्स थोड़े ज्यादा है, इस साइड में कम है, बट स्टिल यू कैन सी ये जो सारे छोटे छोटे फ्रिंजेस है एंड बेबी हेयर्स है, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे ऐसे बेबी हेयर्स है, ये बिल्कुल भी पीछे की तरफ छुपते नहीं है, स्पेशली मेरे इस साइड में है बेबी हेयर्स जो ऐसे। तो इसको कैसे आप हाइड कर सकते हो, जैसे मैंने ऐसे नॉर्मल बन तो बना लिए है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, वेल तो ये चीज आप एलोवेरा जेल के साथ भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वैसलीन के साथ आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि वैसलीन जो है ये ऑलमोस्ट 99.99% लेडीज के पास होती है, तो मैं इसी चीज को यूज करूंगी। तो जस्ट हमें क्या करना है, डब्बे को ओपन करना है एंड हमें चाहिए एक टूथब्रश, ये जो है एक बेबी टूथब्रश, कैटरपिलर टूथब्रश है जो मेरे घर पे ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने इसे उठा लिए एंड इसे मैं ऐसे एक बार डैप करूंगी इसके अंदर, एक बार, जस्ट ऐसे एक बार। एक बार में इसमें जितना प्रोडक्ट आएगा उतना ही आपके बेबी हेयर को सेट करने के लिए काफी है, एंड डैब आपको ठीक से करना है ताकि प्रोडक्ट थोड़ा बहुत आ जाए इसमें, ज्यादा नहीं क्योंकि आप ज्यादा लगाओगे तो चिपकू लगोगे, तो इसलिए थोड़ा सा। तो इसके बाद अभी मैं ऐसे अपने बेबी हेयर्स को सेट करूंगी, पीछे की तरफ ले जाऊंगी, अगेन मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरे बेबी हेयर्स है यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो इसे मैं कैसे सेट कर रही हूँ, ऐसे आपको ब्रश करना है पीछे की तरफ, ऐसे जस्ट ऐसे सेट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे कोई बेबी हेयर्स बाकी दिख नहीं रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा है, तो अभी आप देख सकते हो मेरे सारे बेबी हेयर्स जो है हाइड हो गए हैं। इस साइड में भी मैं वही करूंगी, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है इसको मैं ऐसे पीछे की तरफ ले जाऊंगी, एकदम देखिए आप, एक से दो बार करने से ही मेरी जो है बेबी हेयर सारे हाइड हो गए हैं, मेरे फेस काफी ज्यादा क्लीन फॉर्मल एंड प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं। तो ये है एक तरीका, तो मैं वापस से अपने बेबी हेयर्स को निकाल दूं क्योंकि मुझे आपको सेकंड तरीका भी दिखानी है। ओके, तो ये मैं अगेन अपने मेसी लुक में आ गई हूँ। तो मेरे सेकंड ट्रिक में मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे एक टीजिंग कॉम्ब की यूज करूंगी, टीजिंग कॉम्ब को लेके आपको जस्ट ऐसे अच्छे से पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे टीजिंग कॉम्ब के मदद से आप अपने बालों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए, एंड ताकि जो है, एक मिनट, ये मेरे फ्रिंजेस है, ये बेबी हेयर्स नहीं है, तो मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगी एंड इसे मैं अपने हाथों से थोड़ा बहुत सेट कर लूंगी ताकि ये परमानेंट रहे, ये जो सेटिंग है उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये हेयर स्प्रे, ये DIY हेयर स्प्रे है, ये मेरे पुराने हेयर स्प्रे नहीं है जो मैं यूजुअली अपने हेयर सेट करने के लिए बनाती हूँ, वो भी DIY है, बट दिस इज नॉट दैट वन, ये जो है इसे मैंने स्पेशली फॉर बेबी हेयर्स बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, आपको 3/4 पोर्शन लेना है पानी एंड 1/4 पोर्शन लेना है आपको कोकोनट ऑयल, आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या कोई भी ऐसे कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल या नॉर्मल कोकोनट ऑयल ले सकते हो, उसे लेके आपको जस्ट इतनी सी दूरी से आपको जहां पे आपने बेबी हेयर्स को सेट किया वहां पे ऐसे 2-3 स्प्रे मारने हैं, ऐसे 2-3 स्प्रे लगाने हैं, उसके बाद आप अपने हाथों से या टीजिंग कॉम्ब से अगेन एक बार ऐसे सेट कर दीजिए। मैं इस साइड में भी कर लेती हूँ,
तीन बार मैंने सैंपल मतलब स्प्रे लगाया एंड फिर मैं इसे हल्के हाथों से ऐसे सेट कर दूंगी। इसे सेट करने से क्या होगा, अभी ये पूरा दिन हिलेगा खुलेगा नहीं। आप देख सकते हो मेरी फेस कितनी क्लीन एंड क्लियर लग रही है, तो बिल्कुल बिखरे बिखरे नहीं लग रहे हैं। तो ये हो गया, मेरा स्लिक लुक आ गया इससे। तो ये हो गया दो तरीका, अभी मैं आपको बताऊंगी तीन तरीके, मेरे जो थर्ड वन है एंड यही द बेस्ट है। तो उसके लिए मैं पर्सनली क्या करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको। आपको चाहिए जस्ट एक ऐसे बॉबी पिन्स, एंड ये जो बॉबी पिन्स है आप देख सकते हो मोटा वाला नहीं है, छोटा एंड बहुत ही थिन वाला बॉबी पिन है। तो इसे लेके अभी अगेन एक बार आप देखिए, मैं अपने जो है बालों को ऐसे ऐसे कर लूं क्योंकि मुझे आपको दिखानी है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मेरी जो बेबी हेयर्स है ये बाहर आ चुके हैं अगेन। तो इसको मैं हाइड कैसे करूंगी, उसे हाइड करने के लिए अभी आप देख सकते हो बेबी हेयर्स, तो उसे हाइड करने के लिए मैं तो ये है मेरी बेबी हेयर्स एंड मेरी बेबी हेयर्स थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है यहाँ से। तो ये अगर आपके बेबी हेयर्स लॉन्ग है तभी आप इसे इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तो इस बेबी हेयर्स को मैं ऐसे पकड़ूंगी एंड पकड़ के मैं अपने जो बाल हैं बालों को ऐसे हाथों से हटा के इसे इसके पीछे की तरफ ले तो इसे ऐसे हटा के इसके पीछे की तरफ ले जाके बालों के अंदर से ऐसे बॉबी पिन्स लगा के इसे सिक्योर कर दूंगी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जो बेबी हेयर्स है वो दिख भी नहीं रहा है, ये मेरे फ्रिंजेस है ऐसे वो दिख भी नहीं रहा है एंड आपको जो बॉबी पिन है वो भी नहीं दिखाई देगी। तो यही वो ट्रिक है, ऐसे करने से आपकी जो बॉडी हेयर्स है वो नहीं दिखेंगे एंड आपको एक नॉर्मल स्लीक एंड फॉर्मल प्रेजेंटेबल लुक आ जाएंगे। सो यस गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टाइलिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।